हेलो एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में 16 नंबर प्रश्न को हल करने वाला हूं। इससे पहले का प्रश्न हल किया जा चुका है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 47 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। प्रश्न में जैसा कहा है उसी के अनुसार पहले आकृति बना लेना, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक मीनार कहा है खींचने के लिए, तो एक पहले मीनार खींच लेता हूं। तो यहां से एक ये मैंने मीनार ले लिया है, ठीक है, और कहा है मीनार के विपरीत दिशा में दो व्यक्ति है। तो वे दो व्यक्ति है तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक क्षैतिज तल खींच लेना है, ठीक है। ये 36 तल होगा, और दोनों छोर पर विपरीत दिशा में क्या है, व्यक्ति है। तो एक एक व्यक्ति इधर होंगे, दूसरा व्यक्ति इधर होंगे। तो इससे अब इसको अगर मिलाया जाए शीर्ष को तो इस प्रकार से हो जाएगा, तो दो कोण बने, यानी एक व्यक्ति इधर एक व्यक्ति इधर। जब इस यहां से जब शीर्ष को देखा जाएगा तो इधर उन्नयन कोण बनेगा, जब इस बिंदु से देखा जाएगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो इसका पहले नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। इसमें कहा है उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर जो कोण लिया है, एक ज्यादा है मतलब एक बड़ा है और एक छोटा है, इसमें ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो इधर वाले को क्या करना है, 30 डिग्री लिख देना है और इधर वाले को 45 डिग्री, ठीक है। आकृति बनाते समय ये ध्यान रखना है कि जो कोण का वैल्यू होता है ना, तो छोटा वाला होगा है ना, छोटा वाला जो मान होगा वो मीनार से दूर होगा और जो बड़ा वाला मान होगा मीनार के निकट होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो 36 तल खींचा गया है तो इस मीनार से ज्यादा दूरी जिसकी होगी उधर जो कोण बनेगा वो कम मान वाला कोण लिखा जाएगा, ठीक है। और जो मीनार के निकट यानी मीनार से कम दूरी वाला 36 तल होगा उसके साथ जो कोण बनेगा वह अधिक मान वाला कोण लिखा जाएगा उधर, ठीक है, ये समझ गया। अब देखिए इसमें ये कहा गया है यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो, तो मीनार ये है तो ये 35 मीटर, ठीक है, लिख दे रहा हूं। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करें। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति जो है ये सी है, यहाँ है एक और दूसरा यहाँ पे है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी कि BC निकालना है ना, BC निकालना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसमें से जो मुख्य बातें हैं इसमें ज्ञात क्या करना है। तो दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी BC ये ज्ञात करना, ठीक है। इसमें मीनार की ऊंचाई AD ये दिया हुआ है 35 मीटर, ठीक है, बाकी यहाँ पे कोण दिया ही हुआ है। अब देखिए इसमें से क्या करना है, कोई एक त्रिभुज में सबसे पहले आ जाना, तो समकोण त्रिभुज AD BB में, देखिए यहां पर AD BB ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, उसी प्रकार इधर भी समकोण बन रहा है। तो मैं पहले इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर PB के अनुसार, तो इसके सामने वाली भुजा AD और ये जो आधार है वो DB हो जाएगा, ठीक है। तो AD बटा DB या BD भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है, तो AD, अच्छा AD का मान दिया हुआ है 35, तो यहाँ पर 35 लिख देना है, AD 35 मीटर है, और बटा BD, बाई क्रॉस करने पर BD बराबर होगा 35 मीटर, ठीक है। फिर समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में tan 30 डिग्री, क्योंकि इसमें 30 डिग्री का
और पी बाई बी यानी ए डी बटा सी डी, ठीक है, टैन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है, बराबर ए डी 35 पता है तो 35 लिख देना है बटा सी डी, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए, पाई क्रॉस करने पर सी डी बराबर 35 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी डी का वैल्यू आ गया 35√3 मीटर। हमें क्या कहा है, दो व्यक्तियों की बीच की दूरी यानी बीसी ज्ञात करना, बीसी। तो बीसी बराबर क्या लिखेंगे, तो बीसी बराबर हम लिख सकते हैं कि सी डी प्लस बी डी या फिर बी डी प्लस सी डी, यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो यह बीसी के बराबर होगा। अब देखिए बी डी कितना आया हुआ है 35 मीटर, प्लस सी डी कितना आया है 35√3 मीटर, इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा तो 35 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना 1+√3। अब देखिए यहाँ पर 35 × 1 और √3 का वैल्यू होगा 1.732, ठीक है, तो ये होगा 35 गुना, इसको जोड़ने पर 2.732 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो देखिए 2.732 इसमें 35 से मल्टीप्लाई करना, 5 × 10 हासिल 1, 5 × 15 16 × 6 हासिल 1, 7 × 35 36 × 6 हासिल 3, 5 × 10 = 3 13, फिर 3 से गुना करेंगे तो 3 × 6 हासिल नहीं बचेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 हासिल 2, 3 × 6 = 2 = 8, इसको जोड़ लेना है तो ये 0 हो जाएगा, 6 × 6 = 12 हासिल 1, 9 × 6 = 15 16 × 6 हासिल 1, 3 × 4 = 5 और 8 × 1 = 9, 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 यहाँ बैठा देना है तो कितना होगा 95.62, और ये शून्य नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 कितना होगा 95.62 मीटर, ठीक है, ये बीसी हमारा निकल के आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी जो है वो कितना है 95.62 मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर, ये समझ गया। आइए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 50 मीटर एक ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है, मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60° और 30° है, दोनों कारों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी मीनार की चर्चा है, तो सबसे पहले तो मीनार बनाना ही होगा, ठीक है, और तो सबसे पहले मीनार को खींच लेते हैं, ये मीनार हो गया, ठीक है, और इसमें यह कहा है कि मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60° और 30° है, दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना, एक ही सीध में कहा, ठीक है, और इसमें विपरीत कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये है कि दोनों कार मीनार के एक ही ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्षैतिज तल खींच लेते हैं, ये 36 तल हो गया और 60° और 30° यानी कि दो कार खड़ी है, तो कोई सा एक पॉइंट मान लीजिए कि यहां से मैं ले लेता हूं एक पॉइंट, यहां जब देखता है तो 60° बनाता है और जब यहां से देखा जाता है तो 30° बनाता है, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि जो ज्यादा मान होगा वो मीनार के निकट होगा, जो कम होगा वो मीनार से दूर होगा, तो यहाँ जो बनेगा ये लिखाएगा वो 60° होगा और ये 30° होगा, ठीक है। साथ ही ये भी ध्यान दीजिएगा जितना ज्यादा कोण का मान होगा उतना ही स्लोप ज्यादा होगा, ये खड़ा होगा, और जितना कम होगा स्लोप उतना ही कम होगा, यानी ये देख रहे हैं स्लोप, तो यहाँ ये 60° और ये 30°, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी, यहाँ सी एक कार है और दूसरा डी है, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यही हमको पता करना,
डीसी पता करना, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज, 50 मीटर एक ऊंचे मीनार के, यानी मीनार जो है 150 मीटर, इसकी ऊंचाई 50 मीटर। तो देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 50 मीटर यह दिया, ठीक है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दिया है, हमें दोनों कारों के बीच की दूरी निकालना, दोनों कारों की बीच की दूरी, बीच की दूरी यानी कि डीसी ज्ञात करना, ये हमें पता करना, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम पहले बी सी ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, बी सी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन 60 डिग्री बराबर पी बाई बी यानी कि ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ए बी जो होता है वो 50 दिया है यहाँ, बटा बी सी। इस प्रकार अगर बाई क्रॉस करे तो √3 बी सी बराबर 50 हो जाएगा, इसलिए बी सी बराबर 50 बटा √3 हो जाएगा, ये बी सी निकल के आ गया, ठीक है, इतना मीटर। फिर समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा है ए बी डी में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर टेन 60 डिग्री, 30 डिग्री बड़ा वाला में 30 डिग्री का वैल्यू बन रहा, ठीक है, 30 डिग्री का मान बन रहा। अब देखिए तो ए बी बटा बी डी हो जाएगा यहाँ पे, इसका लंब 30 डिग्री के लिए सामने वाले भुजा यही ना लंब होगा, तो ए बी बटा बी डी, टेन 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 और ए बी पता है 50, ठीक है, बटा बी डी, ठीक है। बाई क्रॉस अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बी डी का वैल्यू आ जाएगा, बी डी बराबर 50√3 मीटर। हमें याद करना है डी सी, क्या याद करना है, डी सी। देखिए अब डी सी बराबर क्या मैं लिख सकता हूं, देखिए इस पूरे बी डी में से, ये बी डी में से अगर बी सी को घटा दिया जाए तो डी सी आ जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं बी डी माइनस बी सी, बिल्कुल। अब देखिए बी डी का जो वैल्यू आया है अभी अभी ये 50√3 है, ठीक है, और बी सी का जो है वो कितना है, 50/√3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसका भिन्न का घटाओ, तो √3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक से भाग देंगे √3 में, तो √3 होगा बचे, और √3 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 से 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 150 माइनस √3 से √3 में भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार कटेगा, एक से 50 में गुणा कर देंगे तो 50 ही होगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा जरा, यहाँ पर घटाने पर ये होगा 100/√3। आगे देखिए 100/√3 का वैल्यू रख देना है 1.732। तो देखिए ये दशमलव को हटाएंगे तो इस पर आ जाएगा 3 को 0, ये 1,17,732 होगा, ठीक है। इसको भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 57.7 मीटर। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो प्रश्न आपको बताया
वो आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।